तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज हम आए हुए हैं रॉयल इनफील्ड के शोरूम में बाइक परचेज करने के लिए। तो हमारे भैया जी निरीक्षण करते हुए कि हमारी रॉयल इनफील्ड हंटर कैसी है, तो उसका पूरा निरीक्षण करते हुए हमारे भैया जो मैं भी देखता हुआ, देखिए हमारे भैया कितने मेहनत से शिद्दत से पूरे मुआयना करते हुए कि क्या क्या क्वालिटीज़ हैं इसमें, फूट रेस्ट कैसा है वगैरह वगैरह। और मेट्योर हमारे भैया जी को पसंद आ रही थी, लेकिन मुझे नहीं पसंद आ रही थी क्योंकि बहुत हैवी थी और हाइट पे हमारे तो जम रही थी, लेकिन ज़्यादा हैवी होने की वजह से और लंबी होने की वजह से मैं इसे पसंद नहीं कर पा रहा था। और ये शोरूम देखिए रॉयल इनफील्ड का सिद्धार्थ नगर का, हमारे भैया जी बैठे हुए हैं और देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मैं शेयर नहीं करना चाहता, यहाँ का एक्सपीरियंस हमारे लिए बहुत अच्छा नहीं था। लेकिन देखिए आप यहाँ का जो डेकोरेशन है, रॉयल इनफील्ड हर जगह ऐसे ही उनका शोरूम होता है, हमारी हंटर देखिए आप। और ये हमारे भैया जी चीर कर जाते हुए आप देख सकते हैं एकदम फाड़ते हुए। और ये हम गाड़ी वापस मतलब खरीद कर जा रहे हैं वापस घर की तरफ। तो दोस्तों हम चल रहे हैं फर्स्ट सर्विस की तरफ। हमें पता है कि हमने आपको पूरा सर्विस वो जिस दिन हमने बाइक परचेज की थी रॉयल इनफील्ड 350 हंटर, उस दिन हमने पूरा ब्लॉग आपको नहीं दिखा पाया, मतलब क्या क्या होता कैसे कैसे होता, क्योंकि कुछ सिचुएशन ऐसे बन गए थे कि मैं पूरा चीज़ कवर नहीं कर पाया और ना शुरू का दिखा सका। तो आज हम जा रहे हैं फर्स्ट सर्विसिंग की तरफ। हमारे दुकान वाइज चीज़ चलाते हैं और ये मैं आपको अपना थोबड़ा दिखाता हुआ आप देख सकते हैं। भगवान भाई हमारे बहुत ही फार्म में चलते हुए आप पूरी तरह से, मैं ग्लास में आने की कोशिश कर रहा हूँ नहीं आ पा रहा। और ये हम पहुँच चुके हैं सर्विस सेंटर रॉयल इनफील्ड नौगढ़ में यानी सिद्धार्थ नगर हमारे। अभी तो हमें इंतज़ार करना होगा, हम वेटिंग हॉल में बैठे हुए हैं और ये हमारे लुकमान भाई भी एकदम नवाबों की तरह पूरी नज़र गड़ाए हुए हैं सर्विस सेंटर की तरफ कि हमें कब मौका मिले हम अपनी बाइक को वहाँ लगाएं। और फिर अभी भी इंतज़ार का लम्हा ख़त्म नहीं हुआ, हम इंतज़ार ही कर रहे हैं। तीन बाइकें यहाँ लगी हुई हैं आप देख सकते हैं, ये भी हमारी फेवरेट कलर है देख सकते हैं, ये ले सकते थे क्योंकि कुछ एक्सपीरियंस इसमें अभी अच्छे नहीं आ रहे हैं हंटर में, देखते हैं। हमारे लुकमान भाई One eternity later. और ये इंतज़ार का लम्हा ख़त्म हुआ, हमारी हंटर सर्विस सेंटर के में आ चुकी है और आप देख सकते हैं वहाँ के कार्यकर्ता इसको उठाते हुए और इसके आगे की कार्रवाई करने के लिए हम बेताब, क्योंकि बहुत ही लम्हे के बाद बहुत ही इंतज़ार के बाद ये लम्हा आया हुआ देख सकते हैं रॉयल इनफील्ड। ये हमारे राजू भाई, गाड़ी हमारी सर्विस हो चुकी है, साफ उसको कर रहे हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।